हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन अभी कॉमर्स क्लासेस। आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 के लिए उत्तर पुस्तिका का फॉर्मेट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये फॉर्मेट है आपका और फॉर्मेट के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में आपके टाइम टेबल के अनुसार जिस दिन आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उस दिन वो अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी आपके आ जाएगा कॉलेज के माध्यम से। और परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में जो दर्शाए गए विषय हैं उसके अनुसार ही बनाएंगे पेपर को। और उत्तर पुस्तिका जो है आपका, वो आपका अगर आपको प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता तो आप अपने महाविद्यालय संपर्क करेंगे। A4 साइज में आप अपना आंसर शीट बना सकते हैं, मैक्सिमम 32 पेज ही आप बनाएंगे, उससे ज़्यादा उससे कम पेज का आप आंसर शीट नहीं बनाएंगे। और कवर पेज में ये जो आपका फ्रंट पेज है इसको आपको लगाना है सभी आंसर शीट के, आप इसको अपने हाथ से भी बना सकते हैं, ठीक है, और स्वयं से बना के भी उपयोग कर सकते हैं आप। और ये जो विवरण है कवर पेज में इसको आपको फिल करना है। सबसे टॉप में ये देख सकते हैं आप, परीक्षा केंद्र क्रमांक आपके एडमिट कार्ड में लिखे रहेगा उसको आप लिखना, देन परीक्षा केंद्र का नाम जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसका नाम लिखेंगे आप, फिर उसके बाद कक्षा का नाम में आप जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं अभी वह लिखेंगे, जैसे बीकॉम प्रथम वर्ष में आप तो बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखेंगे, उसी तरीके से जो अन्य कक्षा में विद्यार्थी हैं वो कक्षा को भरेंगे। अनुक्रमांक रोल नंबर में पहले बॉक्स से आप अपना रोल नंबर लिखना चालू करेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपके रोल नंबर में पहला अक्षर है 1 तो 1 लिखेंगे आप, ONE, इस तरीके से आप बाकी डिजिट्स को भी आप शब्दों में लिखेंगे। एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नामांकन क्रमांक नियमित छात्रों के लिए ये बॉक्स में आप लिखेंगे, और जो अमहाविद्यालयीन प्राइवेट छात्र छात्राएं हैं वो सेकंड बॉक्स में लिखेंगे। विषय में आपका जो प्रश्न पत्र का नाम रहेगा आप लिख सकते हैं, प्रश्न पत्र का नाम और कोड में आप लिख देंगे, जैसे प्रथम द्वितीय ऐसा प्रश्न पत्र रहता है आपका, सब ये आपके एडमिट कार्ड में दिए रहते हैं, है ना, कोड भी दिया रहेगा तो उसमें से देखकर आपको लिखना रहेगा। परीक्षा का दिनांक दिन ये डाल देंगे आप, मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, कितने पृष्ठ हैं आपके आंसर शीट में तो 32 पृष्ठ रहेंगे तो 32 आप लिख देंगे, इसके बाद यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। और इसके अलावा आपको इधर कहीं भी कुछ फिल नहीं करना है,